मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले यूट्यूब पर मतलब जो काम शुरू किया था उसमें सी प्राइम की मैं शॉर्ट फिल्म्स को रिव्यू किया करता था, उनकी न्यूज़ दिया करता था। तब शायद कोई भी मतलब सी प्राइम को सपोर्ट नहीं करता था जब मैंने इसको सपोर्ट करना शुरू किया था। फिर कंटेंट इतना ज़्यादा आने लग गया दूसरे चैनल्स का भी, और सी प्राइम भी मतलब काफ़ी अच्छी मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहा, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनकी शॉर्ट फिल्म्स को रिव्यू करूँ या उनकी न्यूज़ दूँ। तो अभी काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म आने जा रही है जो कि काफ़ी अरसे से बनकर पड़ी है, तकरीबन 1 साल हो गया ये शॉर्ट फिल्म बन के पड़ी है, इसे ये अब रिलीज़ करने जा रहे हैं। जब मैंने इसका जो ट्रेलर आया वो देखा तो एक तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा, इनका जो हमेशा डबिंग का इशू होता है वॉइस का वो भी काफ़ी डिसेंट लग रहा था, और इसके अलावा काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। बड़ी एक अच्छी लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक ही जगह पर होगी और सिर्फ हमें दो करेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं, अपनी बातें करते हैं। जैसे इनकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी नाम क्या रखा है जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, मैंने उसका मतलब न्यूज़ भी आपको दी थी, तो उसी तरह की कुछ ये इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है शॉर्ट सी। तो इसकी स्टारकास्ट में आपको देखने को मिलेंगे अफान वहीद और रुशना शाह। इस शॉर्ट फिल्म का नाम होने वाला है जंक्शन और इसे डायरेक्ट करें मोहसिन तल्लित, इसे लिखा है रादैन शाह ने, और ये टेलीफिल्म आपको 29 जुलाई को शाम के 6 बजे यूट्यूब चैनल जो है सी प्राइम का उस पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर आप कहेंगे तो हम इसे रिव्यू भी करेंगे। तो आप ज़रूर बताएं कि आपने टीज़र देखा है या नहीं, अगर नहीं देखा जो ट्रेलर आया है वो अभी जाकर देखें, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ड्रामा ZTC का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो को देख कर वहाँ पर गए हैं, ताकि वहाँ से भी लोग आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाकी आप अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में भी और उस शॉर्ट फिल्म के ट्रेलर के बारे में भी मुझे लाजमी दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।